नमस्कार, मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। और आज मैं सुबह सुबह उठ के तैयार हो गई हूँ, क्योंकि आज काम भी है, क्लास भी है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ सब कुछ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, उन सब के लिए मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी पहले ही मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद क्लास के लिए भागती हूँ। चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि किस तरह मैं सब कुछ करती हूँ। देखिए, मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। देखिए, मैं ब्रेकफास्ट लेके बैठ गई। एक पीस मैंने पीनट बटर लगा ली और बाकी ना मैं नॉर्मल बटर लगा के मैं इस तरह से जो पोच बनाई, डबल साइड फ्राइड, उसको ऐसे डाल के सैंडविच बना के खा लेती हूँ। और साथ में है एकदम गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए, मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई। अभी ऊपर जाना है और ऊपर भी रिकॉर्डिंग है, तो फाइनल तैयारी ऊपर ही करूँगी। बट मैं क्या क्या प्रिपरेशन करके जा रही हूँ ताकि मेरा काम थोड़ा इजी हो जाए, फटाफट हो जाए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, चंद्रकला मेरे रोटी बना के दे रही है मुझे। एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम है मेरे लिए। मैं ना रोटी बनाऊँ ना तो तभी के तभी खा लो तो फिर ठीक है, बाद में एकदम कड़क हो जाता है। फिर भी कोविड के टाइम तो 2-3 महीना कोई नहीं थी, मैं ख्याल से और भी ज़्यादा, शायद 4 महीना तो मैंने किया उस टाइम ना। करते करते थोड़ा प्रैक्टिस हो गया था तो एंड में फिर भी थोड़ा बेटर होता था, पर शुरू में तो एकदम कड़क हो जाता था। तो इट्स मुझे ऐसा लगता है रोटी भी ना मैथमेटिक्स के जैसा है, प्रैक्टिस करो तो अच्छा होगा, नहीं करो तो गया। तो इसीलिए रोटी चंद्रकला बना देती है और सब्जी भी काट देती है, बाकी तो मैं कर लेती हूँ। आप देखिए, चंद्रकला ना रोटी बनाती है, कुछ लेती नहीं, हाथ से करती है। पता नहीं कैसे करती है हाथ से, बाप रे, इस पे भी करेगी और आग पे भी हाथ से ही इसको उल्टा करती है। देखिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए, देखिए चंद्रकला ना मेरा सब्जी काट के दे रही है। तो अगर ऐसे सब्जी काट के देती है, रोटी भी बना देती है, तो बाकी तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। कि मैं चावल भिगा के रख दी, मच्छी फिश
फ्रिज से निकाल के रख दी। अभी आके मैं फटाफट बाकी काम पूरा कर लूँगी किचन का। देखिए मैं ऊपर आ गई और मेरे बच्चे भी आ गए। अभी हम लोग थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करेंगे, पर रिकॉर्डिंग होगा डांस चैनल के लिए, तो उसका अगर पॉसिबल है एक दो झलक मैं आप लोग को दिखा दूँ। आप थोड़ा इधर आ जाइए सर। नहीं नहीं वो वाले पोज में ठीक था। देखिए मैं ऊपर का काम खत्म करके, मतलब रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके, मैं भाग के नीचे आ गई और फिर कुकिंग शुरू कर दी। तो मैं दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। देखिए मैंने चावल रख दिया, तेल रख के मच्छी में नमक हल्दी लगा के तैयार कर ली। अभी फ्राई करना है और एक पतला सा ग्रेवी बना लूँगी। देखिए चावल बनते बनते मैं रीनी झीनी का खाना भी रेडी कर लिया, तो इन लोगों को फटाफट खिला दूंगी, फिर उसके बाद किचन का बाकी काम कर लूँगी। रेडी ओके मम्मा रीनी फर्स्ट। रीनी इज अ बिग दीदी, रीनी फर्स्ट देन झिनुक। मैं बोलने वाली थी चिकूर झिनुक। रिनी सिट डाउन, रिनी रिनी सिट डाउन, रिनी सिट डाउन। यस हैव Good girls, love you. Listen, আর কিছু খাবে? দই, চাই, চাই না? জিনক, দই চাই? রিনি, দই চাই? চাই? ও, চাই, ওকে, চাই। জিনক, দই চাই? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। চলো, আজ, চলো, 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 চলো। Come, 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 Rini, come. Rini, Rini. Jinuk, yeah, so happy. Come, 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 come. Jinuk. देखिए मेरा चावल हो गया और मैंने इस तरह से चावल का पानी निकालती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि बंगाली, मोस्टली बंगालीज, हम लोग बॉइल्ड राइस खाते हैं और उसका पानी हम नहीं लेते, उसको हम इस तरह से निकाल देते हैं। तो मैंने एक्चुअली, मेरा जो एक किचन टिप्स का वीडियो था ना, उसमें मैंने ये अब बताई डिटेल्स में, तो मैं लिंक दे दूंगी, अगर किसी को ऐसा लगे कि देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो देखिए जब तक चावल का पानी निकल रहा है ना, तब तक एक्चुअली इसमें बहुत टाइम बचता है कि अपने आप होता जाएगा, तब तक आप बाकी काम करिए। तो तब तक देखिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ मेरा आज का लंच। ये है दाल, ये पालक, मिक्स वेज बेसिकली, इन बंगाली वी से चौचोरी। सो पालक, गाजर, आलू, बैंगन, भोपला, मटर सब डाल के मिक्स वेज। और ये देखिए कलौंजी, जैसे इन बंगाली उसे कालो जीरे, कलौंजी, टमाटर, धनिया पत्ता, हरी मिर्च डाल के ये एक पतला एकदम ग्रेवी, एकदम पानी के जैसे होता है पर बहुत टेस्टी होता है। मुझे ना मच्छी
बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन वाला अच्छा नहीं लगता मुझे, इधर ये कलौंजी वाला। और एक होता है हमारे में आलू, परवल, बैंगन, कच्चा केला, जीरा, बहुत पतला, वो भी एकदम पतला होता है। तो ये दो मुझे बहुत पसंद है। और रोज़ मच्छी खाना है ना तो ऐसे पतला ही सही है। रोज़ अगर आप बहुत हेवी ग्रेवी बनाएंगे ना तो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और ये है काकड़ी और दही। और ये जो मैंने बनाई ना अभी, थोड़ा सा मैं प्लान करके बनाती हूँ। जैसे आज आप लोग ने देखा मैंने चावल और मच्छी बनाई, और ये दाल और ये जो सब्जी था ना ये कल का है, क्योंकि हम दो ही लोग हैं, इतना ज़्यादा चाहिए नहीं होता है। और इतना कम हम आप कोई भी मतलब नहीं बना सकते ऐसे कि इतना ही बनाओ कि ख़त्म हो जाए। तो मैं एक्चुअली जानबूझ के ऐसे बनाती हूँ ताकि दो दिन चले। तो आज मैंने ये दो बनाई, कल देखिए मेरा मच्छी रह जाएगा क्योंकि मैं चार पीस बना ली, और हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है, वो थोड़ा सा खाएंगे, तो दो दिन ये चलेगा। तो कल मैं फिर से दाल और एक सब्जी बनाऊंगी। इस तरह से प्लान करती हूँ ताकि मेरा सब काम एक साथ और बहुत सिस्टमेटिकली हो जाए। तो चलिए अभी हम लोग लंच कर लेते हैं, फिर आपको मिलेंगे शाम को। और देखिए मैंने जैसे ये भी मैंने पहले एक्चुअली वो किचन टिप्स में दिखाई थी, जैसे काम हो जाता है स्पेशली अगर आप मच्छी बनाएंगे ना तो डेफिनेटली तेल तो इधर उधर होता ही है। तो मैं ऐसे थोड़ा डाल के इसको पोंछ लेती हूँ, एकदम क्लीन हो जाता है। देखिए मैंने पोंछ लिया एकदम, एक्चुअली एकदम तभी के तभी कर लेंगे ना तो उतना काम भारी नहीं लगता है। अगर मैं इसको छोड़ देती और फिर शाम को करूँगी रख देती ना, फिर दिमाग में चलता अरे वो करना है, अरे बाप रे अभी भी गैस साफ़ करना है, तो वो नहीं होता है अगर आप फटाफट उसी टाइम कर लेंगे। तो ऐसे आदत है ना तो काम करना बहुत इजी हो जाता है। देखिए शाम को जैसे मैं बोलती हूँ ना, मेरा आदत है, मैं टीवी ऑन करती हूँ, चाय लेके बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं चाय लेके बैठ गई, पर चाय के साथ में जो खा रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जैसे हमारे बंगाल में होता है ना मसाला मूरी, वैसे ये यहाँ का है, महाराष्ट्र का। दिस इज़ कॉल्ड भड़म। ये मेनली कोल्हापुर साइड का बहुत फेमस है। और मेरी जो भी स्टूडेंट कोल्हापुर जाती है या उसके गांव हैं तो लोग जाते रहते हैं, तो मेरे लिए भड़म लेके आते हैं। एंड मुझे मुरमुरा मतलब प्लेन मुरमुरा कुरमुरा तो बहुत पसंद है, इसलिए ये भी बहुत पसंद है। तो चलिए अभी मैं चाय और ये भड़न खा लेती हूँ, थोड़ा टीवी देख लेती हूँ, फिर डिनर पे हम लोग बहुत सिंपल लेते हैं, एक सब्जी रोटी ऐसे। तो भी मैं सब्जी जो बनाऊँगी आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। जो देखिए अभी मैं डिनर के प्रिपरेशन के लिए आ गई किचन में। ये सुबह आपने जो देखा ना चंद्रकला सब्जी काट रही थी, परवल ढोकला, हाँ तो उसका सब्जी शाम के लिए सिंपल सा सब्जी। और मैं उसमें मटर भी थोड़ा दिया, बिकॉज़ आई लव मटर। रोटी तो बना हुआ है, तो रोटी और सब्जी हम लोग खाएंगे। और यहाँ देखिए रिनी जिन का भी डिनर बनेगा। दिस इज लौकी, गाजर, आलू एंड चिकन। ये कुकर में जस्ट पानी डाल के बॉयल होगा। ये उनका दो दिन तीन दिन ऐसे मैं एक साथ बना के रख लेती हूँ। देखिए मैंने आप लोगों को दिखाया एकदम सिंपल डिनर हम लेते, सब्जी रोटी एंड ट्रेनी जिनू का भी दिखा दिया। तो मैंने आज आपको पूरा दिन किस तरह से मैं अपना टाइम टेबल सेट करती हूँ, किस तरह से मैं प्लानिंग करके काम कर लेती हूँ,
वो आप लोगों को आज दिखाया हो, आप लोगों को अच्छा लगा। और मैं ना जब भी किचन में कुछ कुक करती हूँ तो मैं नॉर्मली बाल टाई कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एक तो थोड़ा लॉन्ग है हेयर और इधर उधर सामान लेने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि लॉन्ग बाल और गैस ऑन है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सावधान रहती हूँ। आप लोग भी ज़रूर केयरफुल रहिएगा जब भी किचन में काम करेंगे। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा। सो माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विद मॉली, लाइक शेयर कमेंट तो करना ही, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।